चले आज हम देखते हैं सर एम विश्वेश्वरा टर्मिनल बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। रोमिंग रोवर्स के साथ वर्ल्ड फेमस SMVT स्टेशन को हम जानेंगे और यहाँ की फैसिलिटीज को देखेंगे। टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के लिए एम्पल पार्किंग है यहाँ। हमें कोई पार्किंग फीस तो नहीं देनी पड़ी। प्रीपेड टैक्सी और ऑटो स्टैंड भी अवेलेबल है यहाँ। दिवाली की छुट्टियों के बाद आज मम्मी पापा यहाँ से हमारे होम टाउन भुवनेश्वर जा रहे हैं। स्टेशन के आउटसाइड आर्किटेक्चर से ऐसा लग रहा है मानो हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हों। बैंगलोर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिज़ाइन भी कुछ इसी तरह का है। चलिए अब स्टेशन के अंदर का भाग देखते हैं। अरे वाह, यह तो ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज डोर है और यह टिकट काउंटर तो सच में बेस्ट डिजाइन है। यह अच्छा सा हेल्प डेस्क भी अवेलेबल है। जरूरतमंद लोगों के लिए एस्केलेटर भी अवेलेबल है। इनसाइड कॉरिडोर में सेंट्रल AC है तो काफ़ी अच्छा सा टेम्परेचर मेंटेन हो रखा है। वेटिंग एरिया भी काफ़ी बड़ा और क्लीन है। मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग फैसिलिटी के साथ काफ़ी बड़े इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी अवेलेबल है। इंडियन रेलवेज ने काफ़ी सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स यहाँ से चालू कर रखी है। क्या AC वेटिंग रूम्स भी यहाँ अवेलेबल है। चलिए अब हम अपने प्लेटफॉर्म अपनी ट्रेन की ओर चलते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एस्केलेटर्स, स्टेयर्स, लिफ्ट और अंडरपास टनल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। वेरियस शॉप्स और खाने पीने की दुकानें भी यहाँ उपलब्ध हैं। न्यू फर्स्ट फ्लोर से प्लेटफॉर्म शायद ही हमने किसी रेलवे स्टेशन में देखा हो। यहाँ स्कैन करके हम स्टेशन की और डिटेल्स भी जान सकते हैं। चलिए अब हम अपने प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वाह, ये इंटरकनेक्टिविटी तो बाकी स्टेशनों से काफी बेहतर है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ऑलरेडी लगी हुई है। स्टेशन काफ़ी क्लीन है तो चलिए अपने बॉगी की ओर पहले चलते हैं। यह प्लेटफॉर्म का अंडरपास टनल है। चलिए इसकी भी फैसिलिटीज ज़रा देख लिया जाए। वाह, देखने में तो यह काफ़ी क्लीन है और बैंगलोर के सारे फेमस प्लेसेस के पेंटिंग यहाँ लगी रखी है। चलिए अब मम्मी पापा को उनके बर्थ तक पहुँचा दें। SMVT से बेंगलुरु मंडे और थर्सडे को ट्रेन चलती है। सर एम विश्वेश्वरिया रेलवे स्टेशन को देखकर लगता है कि रेलवे स्टेशंस अब काफी बेहतर हो चुके हैं। मम्मी पापा को उनके बर्थ पर बिठाकर हम उनके यात्रा की शुभकामना करते हैं।
रोड से डायरेक्ट स्टेशन पर आने की भी सुविधा उपलब्ध है। हम अब अपने घर वापस चलते हैं और आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।